बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बात करेंगे व्हाट इज़ फिज़िक्स। फिज़िक्स इज़ दी स्टडी ऑफ नेचर। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट कि फिज़िक्स क्या है, स्टडी ऑफ नेचर। नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए हम फिज़िक्स सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे बायोलॉजी लिविंग थिंग्स की स्टडी होती है, और फिज़िक्स नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए। सेकेंड इसकी डिफाइन है, फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच इन विच वी स्टडी मैटर एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप। इसमें हम मैटर एनर्जी और इनका रिलेशनशिप पढ़ते हैं कि कैसे मैस एनर्जी में कन्वर्ट होता है। जैसे मैं बर्निंग प्रोसेस की एग्जांपल लूँ, तो हम जब वुडन पीस को बर्न करते हैं, वो मैस लकड़ी का जो है वो बर्न करने से हीट में कन्वर्ट हो रहा होता है, एनर्जी में। ये सिंपल एग्जाम्पल है। दूसरे नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के फिज़िक्स का वर्ड जो है लैटिन वर्ड से निकला हुआ है। फिज़िका वो लैटिन वर्ड है, उसका मीनिंग है नॉलेज ऑफ नेचर। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब बात करते हैं मेन ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स की। फिज़िक्स की मेन दो ब्रांचेस हैं, एक है मॉडर्न फिज़िक्स एंड सेकेंड है, एक है क्लासिकल फिज़िक्स और सेकेंड है मॉडर्न फिज़िक्स। क्लासिकल फिज़िक्स की बात करते हैं, बात करेंगे क्लासिकल फिज़िक्स की। क्लासिकल फिज़िक्स के जो फादर हैं वो सर आइज़क न्यूटन हैं। क्लासिकल फिज़िक्स का दूसरा नेम जो है वो न्यूटोनियन फिज़िक्स है। क्लासिकल फिज़िक्स डील करती है मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स वो हैं जो हमें नेक डाई से नज़र आ सकें। क्लासिकल फिज़िक्स ये इसकी डिवेलप कहाँ से लेके कहाँ तक इसमें इंफॉर्मेशन को स्टोर किया हुआ है, 15 से लेके 20 सेंचुरी तक जो भी डिस्कवरीज हुई वो हम क्लासिकल फिज़िक्स में पढ़ते हैं। क्लासिकल फिज़िक्स को अंडरस्टैंड करने की जो बेसिक एग्जांपल है वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। जैसे प्रोजेक्टाइल को हम इजीली नेक डाई से देख सकते हैं। अब बात करेंगे मॉडर्न फिज़िक्स की। मॉडर्न फिज़िक्स का जो फादर है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन है। मॉडर्न फिज़िक्स का दूसरा नेम क्वांटम फिज़िक्स है। मॉडर्न फिज़िक्स डील करती है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से जो हमें नेक डाई से नज़र ना आ सकें, जो ओनली जिसे हम बस माइक्रोस्कोप से देखें। मॉडर्न फिज़िक्स जो है ये 20th सेंचुरी से के स्टार्ट में ही आइंस्टाइन आया था। 1906 में उसने जो भी डिस्कवरीज़ की, जैसे उसने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिस्कवरी दी, तो ये सारी की सारी डिस्कवरीज़ 20th सेंचुरी में शुरू हुई। इन सारी क्या सारी डिस्कवरीज़ को हम मॉडर्न फिज़िक्स में पढ़ते हैं। फिर इसके बाद इसमें ये डील किससे से करती है, एटम्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स से रिलेट करती है। अब छोटा सा पॉइंट क्लियर कर लें कि 1665 में आइंस्टाइन ने न्यूटन ने ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट दिया था। इससे पता चला कि बहुत बहुत सारे सेंचुरीज पहले न्यूटन ने जो भी डिस्कवरीज की थी वो हमने क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ी। आज से तीन चार सेंचुरीज पहले ये जो आइंस्टाइन की मॉडर्न फिज़िक्स है ये तो अर्ली साइंस में आ जाएगी। ये तो 20th सेंचुरी की डेवलपमेंट है, तो ये मॉडर्न साइंस को ज़्यादा प्रेफर की जा रही है आजकल स्टूडेंट्स। ये था टॉपिक हमारा व्हाट इज़ फिज़िक्स, बट ब्रांच ऑफ फिज़िक्स।